अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद मुझे बेल नोटिफिकेशन उसे भी प्रेस कर दें। सो जब जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा, आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। हाय फ्रेंड, मैं कमाल खान। इंडिका V2 है, इसका इंजन ओवरऑल कर रहे हैं हम। अब आपको हम बताते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस में लगेगा। आप देख सकते हैं इसका हेड मैंने खोल लिया है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसके हेड के बाल सारे गल गए हैं। ये बाल हमें सब नए डाल के लेना होंगे इसके अंदर, और उसका सरफेस भी हमें करा के लेना होगा। ये बाल किस रीजन से गले दिखाता हूँ मैं आपको। तो वे थी ये, और जिसके थ्रू ये गैसकेट जल गया था पूरा। गैसकेट पानी आने के लाग से ये सब बाल इसके ख़राब हो गए हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसका हेड हमने सरफेस करा लिया है। उसके हेड के बाल भी सब नए डाल दिए हैं इसके अंदर। वो परफेक्ट फेस हो गया इसका। उसके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड सब लगा के ले लिए हमने। ये देखो सर, इसका हेड पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड सारी फिटिंग हमने कंप्लीट कर ली है इसकी, आप देख सकते हैं। इसके इंजेक्टर वगैरह सारी चीज़ हमने यहाँ फिट कर ली है। और नेक्स्ट हमें इसके पिस्टन बिठाना है इंजन में। आप देख सकते हैं, हमने रिंग इसके अंदर से बिठा दिए हैं। और हमें इसके ये रिंगों के जो मुँह हैं, तो ये साइड ऑफ बजा के रखना पड़ते हैं। आमने सामने रिंग का मुँह नहीं होना चाहिए कोई भी। गजन की साइड ये है, ये इसका मुंह जो है बचा के रखना होता है। आप देख सकते हैं, ये देखो फ्रेंड, ये 4 नंबर का पिस्टन हम बिठाने जा रहे हैं इसके अंदर। और आप देख सकते हैं, जब हम रिंग बिठाते हैं तो रिंग का हमें बहुत खास ध्यान रखना होता है। ऑयल रिंग जो है गजन पिन की साइड नहीं होना चाहिए कभी भी। गजन पिन की साइड आएगा तो सारा मोबाइल इसका गाड़ी खा जाएगी, इसलिए रिंगों का मुँह हमें जो है बचा के रखना पड़ते हैं। कोई भी मुँह आमने सामने नहीं आना चाहिए। ये देखो फ्रेंड, सारे मुंह में बचा के रखना होते हैं इसके। टैग लगी हाथ से, वो निशान बता दूंगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड, कैप टाइट करने के बाद निशान सेट पे होना चाहिए। सेट पे नहीं हो तो रात जाम हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसके पिस्टन, हमने चारों पिस्टन फिट कर दिए हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसका हम हेड गैस्केट हेड लगाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, का जेन्युइन हेड गैसकेट हम ले लिया टाटा का ओरिजिनल। तो आप देख सकते हैं जेन्युइन हेड गैसकेट है ये। ये देखो फ्रेंड, ये हेड गैसकेट हम लगाते हैं, इसकी टॉप सेट देखना होती है। ये वाली, ये नंबर वाली सेट जो है टॉप ऊपर आती है ऊपर की साइड में, और ये वाली डाउन साइड आती है नीचे। ये नीचे की साइड है और ये इसकी टॉप साइड है इसकी, देख सकते हैं आप। टॉप साइड आ गई ऊपर इसकी,
आप देख सकते हैं हेड हमने इसके अंदर फिट कर दिया है। इसके हम हेड के बोल्ट लगाते हैं, ये देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं हेड के सारे बोल्ट मैंने टाइट कर दिए हैं इसके। अब नेक्स्ट इसका टाइमिंग और टैबेट कवर इसका फिट करके आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसका हेड पूरा फिट कर दिया है और इसका टाइमिंग कहां का लॉक होता है कैसे मिलाते हैं वो आपको बताता हूं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसका फ्लाईव्हील का टाइमिंग यहाँ से लॉक करते हैं। तो टाइमिंग लॉक करने के लिए इसका ऑयल फिल्टर हमें खोल के लेना होता है, इससे आसानी हो जाती है। ये देखो चल देख चेक कर लॉक हुआ क्या। हो गया फ्रेंड, ये लॉक हो गया। दोनों साइड घूमने नहीं चाहिए व्हील, इंजन लॉक हो गया यहाँ से। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पंप का टाइमिंग हम मिलाते हैं। यहाँ पे स्लॉट होता है इसके प्लेट में, पीछे के अंदर स्लॉट होता है। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेशल टूल लगाते हैं हम। ये देखो ये स्लॉट इसमें, ये देखो पंप का टाइमिंग यहाँ पे आ गया, टाइमिंग लॉक हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कैमशाफ्ट का टाइमिंग आता है, स्पेशल टूल हम इसमें लगाते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये देखो ये कैम की लॉक हो गई, इसका परफेक्ट टाइमिंग है यहाँ पे। आप देख सकते हैं फ्रेंड इसकी टाइमिंग बेल्ट मैंने सब चढ़ा दी है इसके ऊपर, तो सारे टाइमिंग मैंने आपको दिखा दिए इसके अंदर। यहाँ पे इसका टाइमिंग लॉक होता है हाई प्रेशर पंप का, और यहाँ पे कैम शाफ्ट का, ये देखो कैम शाफ्ट का भी यहाँ पे लॉक हो गया। और इधर फ्लाईव्हील का दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये फ्लाईव्हील का भी यहाँ पे टाइमिंग हमने लॉक कर दिया है। देखो आप देख सकते हैं फ्लाईव्हील का टाइमिंग है। आप देख सकते हैं इसका टैबलेट कवर हमने लगा दिया है, और इसकी ये पाइप होते हैं इसमें लगाना होते हैं स्टड में। आप देख सकते हैं फ्रेंड गाड़ी पूरी की मैंने इंजन कंप्लीट कर दिया है इसका। और चल स्टार्ट कर, कर स्टार्ट। आप देख सकते हैं इसका मैंने 40 किलोमीटर का ट्रायल लिया है, गाड़ी पिकअप परफेक्ट पिकअप ले रही है, आरपीएम भी परफेक्ट आ रहे हैं इसके अब, और जो काम हमने इसमें इंजन में किया है वो सक्सेसफुल हुआ।